पातुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम आले गांव में शनिवार को 4:30 बजे जोरदार हवाओं के साथ ओले गिरे, जिस वजह से खेतों में पक रही खड़ी फसल आम नींबू की फसल काफी हद तक का नुकसान हुआ है। पहले ही कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों और बाजार बंद होने के कारण अपनी फसलों और सब्जियों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा है। खरीफ की फसलों में किसान अपनी सिर्फ लागत ही निकाल पाए थे, जिस कारण किसान कर्ज लेकर रबी फसल की बुआई की, जिसमें गेहूं, चना, मूंगफली, प्याज के साथ मूंग की बुआई की, परंतु चना 1 एकड़ में 3 से 4 ढेलों के ऊपर नहीं हुआ। सूने पे सुहागा चने की उचित दाम भी नहीं मिला। इस समय किसान अपनी गेहूं की फसल निकालने में लगा है, परंतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूं की उपज बहुत कम हो रही है। बची कुची कसर बेमौसम हो रही वर्षा ने पूरी कर दी है। आज तेज हवाओं के साथ ओले गिरने से किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है।